तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा एटॉम में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिर से मैं आपके लिए राजस्थान जीके के जो अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि कठिन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और वो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उनमें से कम 100 क्वेश्चन में से आपके लिए चार्ट करके उनमें से 30 क्वेश्चन ऐसे लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स, जो बार बार पूछे जा रहे हैं और शायद ही आपका सामना उनसे हुआ हो। तो अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए और अगर वो एग्जाम में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो सकता है। तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको लगेगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तो पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर आपको लगे कि ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन यहां पर देखें, उससे पहले आप यहां पर देख लीजिए कि इस पूरे के इस वीडियो में आपको टोटल 30 क्वेश्चन मिलेंगे। उस 30 क्वेश्चन में से फ्रेंड्स, अगर आप 20 क्वेश्चन कर पाते हो, यहां तक कि 15 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है इस टॉपिक को लेकर के। यहां पर जो टॉपिक मैं यहां पर ले रहा हूं फ्रेंड्स, तो राजस्थान साहित्य और जो भी राजस्थान साहित्य और उनकी जो बोलियां, क्षेत्र बोलियां वगैरह, भाषा, राजस्थानी भाषा, तो उससे रिलेटेड यहां पर आपके रहने वाले हैं। तो आपको पता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें राजस्थान जीके का पार्ट है। तो अभी रीट का एग्जाम और सेकंड ग्रेड के एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहां पर देखिए, उसके अलावा एक चीज और आप यहां पर देखिए कि आरबीएससी के बाहर से आपको यहां पर इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब आरबीएससी की बुक्स अगर आपने पढ़ी है, तो अगर किसी ने ये सोच रखा है कि आरबीएससी की बुक्स पढ़कर ही ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको यहां पर क्वेश्चन देख करके लग ही जाएगा। तो पहले अपन पहले क्वेश्चन की बात आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि राजस्थान में बोली जाने वाली, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था। तो राजस्थान में बोले जाने वाली बोलियों के समूह को नाम दिया गया राजस्थानी है। ग्रिजेशन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोले जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया था। तो ये कौन से सन में किया था फ्रेंड्स, तो ये आपको बताना है। तो अगर आप फ्रेंड्स इसको अगर आपने आरबीएससी की बुक्स में पढ़ा है, तो आपको 1912 देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो इन्होंने माना है 1908। अभी 1908 क्यों माना है फ्रेंड्स, आप इसकी व्याख्या देखिए कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन ने राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम उल्लेख, तो पहले सबसे पहले उल्लेख 1907 और 8 में हो गया था फ्रेंड्स। उसने सिर्फ ये पूछा है कि सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर आया था। अगर वो पूछता फ्रेंड्स की क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा जाता है कि स्वतंत्र रूप से राजस्थानी शब्द का प्रयोग कब किया गया था, तो आपको 1912 लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगले क्वेश्चन की अपन बात करें कि राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल कौन सा है, तो राजस्थानी भाषा का जो विकास है फ्रेंड्स, जब इसका विकास हो गया था, उत्पत्ति काल कौन सा है, तो 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल, 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण, या 14वीं शताब्दी। अब ऐसा मत देखिएगा कि ये जो आरएस 1996 में पूछा गया था क्वेश्चन, अब दोबारा नहीं आएगा। मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि ये जो क्वेश्चन है, जैसे ये आरएस में पहले पूछा गया था, तो अब पेपर का लेवल बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, तो ये बड़ी एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन है, ये अपने अब छोटे एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे पटवारी वगैरह में ये क्वेश्चन आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण, ठीक है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोरसन प्राकृत से गुजरी अपभ्रंश से हुई है, और लास्ट में आप यहां पर देखो कि राजस्थानी भाषा 12वीं शताब्दी के अस्तित्व में आ चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करके, मारवाड़ी बोली के साहित्य रूप को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर ज़्यादातर फ्रेंड्स आपके जो कन्फ्यूजन रहता है अपने, वो पिंगल भाषा को और डिंगल भाषा को लेकर के रहता है कि दोनों में से कौन सी रहेगी। तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो डिंगल भाषा रहेगी, ठीक है, लेकिन पिंगल में और डिंगल में आपके कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं बता दूँ कि यहाँ पर आप इस वर्ड पर गौर कीजिए, मारवाड़ी। तो मारवाड़ी जो अपना पश्चिम इलाका है फ्रेंड्स राजस्थान का, उसमें डिंगल भाषा की ही जो कृतियाँ है वो आपको देखने को मिलेंगी डिंगल भाषा में ही। लेकिन जो आपकी पूर्वी प्रदेश है फ्रेंड्स, तो पूर्वी प्रदेश में अगर किसी साहित्य के बारे में पूछा जाता है जो पूर्वी प्रदेश से बिलोंग करता है, तो वहां पर आप पिंगल भाषा को टिक कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात की करेंगे कि डिंगल मारवाड़ी बोली की ही एक साहित्य शैली है, डिंगल वस्तुतः अपभ्रंश शैली का ही उन्नत रूप है, यह राजस्थान या मरुभाषा की एक विशिष्ट साहित्य भंगिमा शैली है। पिंगल का वास्तविक अर्थ छंद शास्त्र से है, ठीक है। तो पिंगल एक मिश्रित भाषा है जो कि डिंगल से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रतापगढ़, अजबगढ़, तानागाजी और बलदेवगढ़ में बोले जाने वाली बोली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पटवारी में पूछा जा चुका है। आप यहाँ पर देखोगे कि ये सबको पता है कि ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थानागाजी इस वर्ड को लेकर के अगर आप देखोगे तो ये सीकर में पड़ता है, तो सीकर और अलवर की तरफ का वर्ड आ गया, तो आप समझ जाओगे कि ये तो मेवाती मेवभाषा जिधर बोली जाती है, तो लेकिन अगर आप यहाँ ऑप्शन में देखोगे तो चारों में आपको मेवाती 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 मिलेगा, ठीक है। तो अब ये ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं और अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा, ये वर्ड ये ऐसा क्वेश्चन आपके सामने नहीं आया, तो आप इस क्वेश्चन को या तो छोड़ के आओगे या तुक्का लगाओगे तो गलती लगेगा, ठीक है, क्योंकि चारों ऑप्शन एक जैसे देखने को मिल रहे हैं आपको यहाँ पर। तो अब आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या रहेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए नहेड़ा मेवाती, दूसरा कटेर मेवाती, तीसरा बयाना मेवाती और चौथा आरेज मेवाती, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता दूं कि कटेर मेवाती ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगर आपको पता नहीं था तो इसको अलग से लिख लीजिएगा।
इसकी व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हो कि कटेर मेवाती भरतपुर के उत्तर पश्चिमी तथा अलवर के दक्षिण पूर्वी में बोले जाने वाली भाषा है। यह अपनी पूर्वी सीमा पर बोले जाने वाली कटेर ब्रजभाषा का प्रभावित है, मतलब ब्रजभाषा से प्रभावित है और दक्षिणी सीमा पर कटेड़ा जयपुरी से भी प्रभावित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सोंडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमटवादी आदि मुख्य उपबोलियां कहाँ की है। तो अगर आपने ये वाला क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा है तो फ्रेंड्स आप इसमें अगर अपन गौर करेंगे, चारों जो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं उपबोलियों के, उसमें से जो रतलामी की अपन बात करेंगे तो रतलामी से बनता है रतलाम, और रतलाम पड़ता है एमपी में, एमपी में भी राजस्थान के दक्षिणी एरिया में। तो दक्षिणी एरिया में क्या ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है, जयपुर वाले इलाके में आएगी फ्रेंड्स, हाड़ौती आएगी दक्षिणी इलाके में लेकिन दक्षिणी पूर्वी में आ जाती है, और बांगड़ी जो है ये अपने पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी इलाके में आ जाती है। लेकिन जो मालवी भाषा है फ्रेंड्स, ये मालवी भाषा आपके दक्षिण में बोली जाती है और रतलाम उसी साइड है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को देख करके स्मार्ट तरीके से बी आंसर दे सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, तो मेवाती बोली यानी कि जो अलवर भरतपुर वाली लैंग्वेज है फ्रेंड्स, तो उसका प्रयोग किसने नहीं किया है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है लालदास, चरणदास, सुंदरदास और सरजोबाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लालदास जो है फ्रेंड्स, उनका संबंध तो जो उत्तरी इलाका है वहाँ से है, चरणदास जी जो कि अलवर अलवर खेत से बिलोंग करते हैं चरणदास जी। ठीक है, उसके बाद जो सरजोबाई है ये चरणदास जी की ही शिष्या है। तो कुल मिलाकर के ये जो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 है ये कहीं ना कहीं अलवर से, यानी कि जो अपना सेकावटी क्षेत्र है या फिर डूंडार क्षेत्र है वहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन सुंदरदास जी का उधर से कोई लेना देना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो अर्थ जो आंसर होगा फ्रेंड्स, जिसने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है, तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ना तो 4 होगा, ना 2 होगा, ना 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करते हैं कि मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्यिक कारिका ग्रंथों की रचना किसने की है। ठीक है, तो ऑप्शन में से आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, चतुर सिंह, दुर्साडा, पृथ्वीराज राठौड़ और शिवदास। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की मैं आंसर बताऊं फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चतुर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, उसके पहले आप यहां पर इसकी व्याख्या देख सकते हो वीडियो को रोक करके। चतुर सिंह, अगर चतुर सिंह के बारे में आपने नहीं पढ़ा है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारिता किसे माना जाता है। तो मुड़िया यानी कि मुड़ी हुई लिपि के अक्षरों के आविष्कारिता किसे माना जाता है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए में टोडरमल, टेसिटोरी यानी कि टेसिटोरी, बाकीदास और गज सिंह। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर में, इस क्वेश्चन में आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर एक, टोडरमल। इसकी व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महाजनी लिपि अथवा वाणियावाड़ी लिपि में बिना मात्रा वाले महाजनी शब्द मोड़ कर लिखे जाते हैं, जिन्हें मुड़िया अक्षर कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन मुड़िया अक्षरों के आविष्कर्ता मुगल सम्राट अकबर के अर्थ में सचिव राजा टोडरमल थे, जो उनके राजदरबारी थे अकबर के। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने राज रूपक, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मैं फिर से आपको बता दूँ, तो ऐसा दिमाग में बिल्कुल मत लाना कि एग्जाम में दोबारा से नहीं आएंगे, नहीं रिपीट होंगे। ठीक है, किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि तोरावटी बोली प्रचलित है, तोरावटी बोली कहाँ की प्रचलित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 है, इनमें आपके डाउट होगा। डाउट क्यों होगा फ्रेंड्स, कन्फ्यूजन इसमें इस वजह से हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि तोरावटी जो क्षेत्र है फ्रेंड्स वो सेकावटी क्षेत्र है, जहाँ तक अपन ने पढ़ा है वो तोरावटी जो क्षेत्र है वो सेकावटी क्षेत्र है, और उसमें नीम का ताना यानी कि सिकर और झुंझुनू दोनों आते हैं। तो झुंझुनू या नीम का ताना, इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर सिकर देता तो आप सोच सकते हो सीकर के अंदर भी उसने नीम का ताना दिया है, जो ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, झुंझुनू में भी ये थोड़ा सा क्षेत्र आता है। इसकी व्याख्या देखिए आप कि झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग और सीकर जिले का पूर्वी भाग, जिसे में नीम का ताना एवं दक्षिणी पूर्वी भाग तथा जयपुर जिले का कुछ उत्तरी भाग, जिसे अपन तोरावटी कहते हैं, अतः यहाँ पर तोरावटी बोली जाती है। ठीक है, लेकिन झुंझुनू के अलावा जो यहाँ का इसका पूर्वी भाग है फ्रेंड्स, नीम का ताना सीकर वाला वो ज़्यादा पार्ट है। तो यहाँ पर झुंझुनू को सही ना मान करके नीम का ताना वाले पार्ट को ज़्यादा सही माना गया था इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जगरोती किस क्षेत्र की बोली है। तो जगरोती, अगर आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा है तो अब आप इसको पढ़ लीजिए कि जगरोती किस क्षेत्र की बोली है। ये आरबीएससी की बुक्स में नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स आपको प्रश्न, और ऐसा नहीं है कि आरबीएससी की बुक्स में नहीं है तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ये अब आपको पता चल गया, और जेलपरारी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, अगर दोबारा से आ गया और जिसने नहीं पढ़ा वो इसको गलत ही करेगा फ्रेंड्स, उसका एक नंबर एक क्वेश्चन गलत होने ही वाला है। ठीक है, तो अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, करौली। जगरोती में देखो यहाँ पर रो डबल मात्रा, रो करौली में भी डबल मात्रा, ऐसे याद रखना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है। तो खेराड़ी जो है फ्रेंड्स वो किस क्षेत्र की बोली है। तो ये ऑप्शन नंबर जो
पहला है चूरू और हनुमानगढ़, क्या यहाँ की है बीकानेर की, कोटा, झालावाड़, बूंदी, शाहपुरा। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो रहेगा बूंदी शाहपुरा। इसकी व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हो कि भीलवाड़ा में बोली जाती है ये, जो कि बूंदी शाहपुरा में है। ये मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रित है। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि खेराड़ी जो बोली है फ्रेंड्स वो किस किस का, पूछा जा सकता है नहीं, पूछा गया है कि मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण किस बोली को या किस उपबोली को कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य स्रोत संस्कृत में रचित है। ठीक है, कौन सा संस्कृत में है वो बताना है आपको, ऑप्शन नंबर एक और ऑप्शन नंबर तीन में या फिर चार में आपको, या दो में से बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर रहने वाला है। चारों ही बहुत अच्छे ऑप्शन है, कॉलेज व्याख्याता का पेपर है, तो ऐसा मत समझना कि छोटे एग्जाम में नहीं आएगा। अभी पटवारी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मतलब साहित्य की भाषा से संबंधित कि ये किस भाषा में रचित था। ठीक है, तो समराइच्छका और कोलमाला, कोयलमाला और राजरूपक, ये तीनों ही फ्रेंड्स इसके ऑप्शन नहीं रहेंगे। ऑप्शन नंबर जो तीन है, ठीक है, पृथ्वीराज विजय, शायद इसका पृथ्वीराज विजय, इसको संस्कृत में लिखा गया था जहां तक मुझे लगता है। लेकिन इसका जहां तक आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कुएलेमाला रहेगा। ठीक है, कुएलेमाला को संस्कृत में लिखा गया था। इसका ऑप्शन पृथ्वीराज विजय भी हो सकता है, दोनों में डाउट है। आपको जो आंसर से लगता है फ्रेंड्स उसको जरूर कमेंट में बताइए ताकि मुझे भी पूरा कंफर्म हो जाए। और पृथ्वीराज विजय और कुएलेमाला, इन दोनों में से एक ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था, प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था। तो यहाँ पर इसका जो सर करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो रहेगा मेरुतंग। ठीक है, और प्रबंध चिंतामणि पूछा गया, अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता प्रबंध कोश, तो प्रबंध कोश का जो सही आंसर रहता फ्रेंड्स वो रहता चंद्रशेखर। ठीक है, क्या रहता, चंद्रशेखर। तो इन दोनों में भी ऑप्शन जो कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड्स कि प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोश पूछा जा चुका है, और एक साथ ही पूछा था कि प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे, अगर यहाँ पर चंद्रशेखर आ जाता ऑप्शन में तो और ज़्यादा डाउटफुल क्वेश्चन हो सकता था ये। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है। तो वेली कृष्ण रुक्मणी से तो आप अच्छे से परिचित होंगे फ्रेंड्स, पृथ्वीराज राठौड़ का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किस भाषा का, जैसे आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। मारवाड़ी, चारों में ये पूर्वी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी और उत्तर पूर्वी मारवाड़ी क्वेश्चन पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड में। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो मेरे हिसाब से या मेरे अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो रहेगा ऑप्शन नंबर दो, और ऑप्शन नंबर दो को ही सही माना गया था। इसमें ऑप्शन नंबर फोर जो उत्तर पूर्वी मेवाड़ी मारवाड़ी प्रदेश है फ्रेंड्स, ये थोड़ा बिल्कुल ही बॉर्डर वाला पार्ट हो जाता है, लेकिन उत्तरी मारवाड़ी है ये बॉर्डर से थोड़ा हल्के से दूर होता है, और यहीं के ही जो पृथ्वीराज राठौड़ थे वो यहीं पर ही रहकर ही इन्होंने यहाँ की इसकी रचना करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, किसका लेखक वीरबाण था। तो यहाँ पर जो आपको ग्रंथ दे रखे हैं उनमें से किसका लेखक वीरबाण था वो पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो रहने वाला है यहाँ पर राजरूपक। ठीक है, ऑप्शन नंबर चार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर इसकी व्याख्या देख सकते हो कि राजरूपक वीरबाण द्वारा डिंगल शैली में लिखित इस ग्रंथ में जोधपुर नरेश अभय सिंह और गुजरात के सूबेदार शैल विलद खां का ओजस्वी वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजविलास की रचना किसने करी थी। तो राजविलास की जो रचना है फ्रेंड्स वो करी थी कवि मान सिंह ने। ये आपने बहुत कम पढ़ा होगा फ्रेंड्स, आपके सामने बहुत कम आया होगा, तो याद रखना ऑप्शन नंबर एक कवि मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाट का जंजाल। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये आरबीएससी का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आरबीएससी क्वेश्चन में आप देखोगे तो ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि फाट का जंजाल है वो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की रचना नहीं है, उसके बाद भगवती प्रसाद की नहीं है, गुलाब चंद्र नागौरी की नहीं है, ये है शिवचंद भरतिया की। शिवचंद भरतिया दे रखा है, लेकिन उसका एक नाटक है फ्रेंड्स फाट का जंजाल, वो भी शिवचंद भरतिया का है, वो आरबीएससी की बुक्स में नहीं मिलेगा आपको। तो आपको ये क्वेश्चन अलग से याद रखना है। ठीक है, अगला है, राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन से हैं। मतलब जो राजस्थानी और हिंदी, राजस्थानी से हिंदी में ट्रांसलेशन या हिंदी से राजस्थानी में ट्रांसलेशन जो वोक्यूबुलरी है फ्रेंड्स उसकी जो डिक्शनरी है, तो उस शब्दकोश का संपादक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, ये पाँच छः बार पूछा जा चुका है, ये आरपीएससी थर्ड ग्रेड में 2006 में के अलावा उसके बाद दो तीन एग्जाम में और पूछा जा चुका है इनको लेकर के, पद्मश्री सीताराम लालंस। ठीक है, तो ये डिक्शनरी जब भी पूछा जाए फ्रेंड्स आपसे शब्दकोश, तो पद्मश्री सीताराम लालंस इसको आप रट लीजिए एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गलत युग्म को चुनिए, इनमें से गलत युग्म कौन सा। तो आप यहां पर देखोगे कि बाता में भूगोल, ये तो हर्ष बदाणी या आरबीएससी की बुक्स में मिल जाएगा। मेघमाल सुमेर सिंह सेकावत, ये भी सही है। राधा सत्य प्रकाश जोशी, ये भी आरबीएससी की बुक्स में मिल जाएगा। लेकिन बादली जो कि चंद्रप्रकाश देवल है, चंद्रप्रकाश देवल की रचनाएं आप आरबीएससी की बुक्स में पढ़ सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन बादली इनकी रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि कंत धरे कीम आविया तेहा रो त्रस्त्रास लहंगे मुझ लुजी किए बेरी रोना विश्वास, उपयुक्त दोहा किसके द्वारा कहा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो रहेगा ऑप्शन नंबर टू सूर्यमल मिश्रण, कवि कहाँ के थे, बूंदी के। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इसको, पुलिस में पेपर में पूछा जा चुका है, ये जो मई में पेपर हुआ था ये टफ पेपर था, मैं बार बार बताता हूँ आपको, तो ऐसा मत समझिए कि कॉन्स्टेबल के पेपर में इतना टफ क्वेश्चन कैसे आ गया, ये ओनली पहला कॉन्स्टेबल का पेपर था जो इतना टफ आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, करणी शतक, चूड़ा शतक और हाड़ी शतक जैसी रच पुस्तकें किसने लिखी थी। तो यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि शतक जहाँ पर भी आ जाए फ्रेंड्स, ठीक है,
ज़्यादातर शतक जहाँ पर भी आ जाए तो वहाँ पर ये नातु सिंह महियारिया जो है उन्होंने ही ये सारे शतक लगाए थे, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो जहाँ भी शतक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आपको नातु सिंह महियारिया अगर ऑप्शन में मिले तो वही आपको सही करना है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही माना गया है। और इसमें इसकी व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हो, सत सही। उसके बाद काश्मीर शतक, चूड़ा शतक, पत्ता शतक, वीर शतक, गांधी शतक, हाड़ी शतक, सारे शतक आ गए, ठीक है, करणी शतक। तो ये सारी रचनाएं किसकी है? नातू मही आरिया की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? तो एक राजपूत शासक थे जिन्होंने नेह तरंग की रचना करी थी, वह थे राव बुद्ध सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, इसकी व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हो, और जो बुद्ध नेह तरंग है फ्रेंड्स, उसकी रचना ब्रज भाषा में करी गई थी। और 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैया लाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया था? मतलब ये पुरस्कार है सूर्यमल मिश्रण के नाम से जो कन्हैया लाल जी को दिया गया था, तो ये किस रचना के ऊपर दिया गया था, किस रचना पर दिया गया था, किसको? कन्हैया लाल सेठिया को। तो वो जो रचना थी फ्रेंड्स वो थी शबद, ठीक है। बाकी सारी और भी जो घटनाएं, ये जो रचना है फ्रेंड्स, ये कन्हैया लाल सेठिया की, लेकिन शबद के लिए दिया गया था, ये याद रखना आपको, रीट लेवल दो में अभी 2022 में भी पूछा गया है, जो प्री का एग्जाम हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादली के रचनाकार हैं, तो बादली जो ग्रंथ है फ्रेंड्स उसकी रचनाकार कौन है? चंद्र सिंह, चंद्र चतुर्वेदी, रागे राघव और मेघराज मुकुल, ठीक है। तो सेकंड ग्रेड मैथ्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही है, ठीक है। इसकी व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हो, चंद्र सिंह बिरकाली, ये आपको आरबीसी की बुक्स में नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ से पढ़ लेना चाहिए। इसके साथ जो इसकी कृतियाँ हैं फ्रेंड्स, जैसे कि लू, उसके बाद बादली, उसके बाद डपर, सांझ, सीप, वालसाद, दिलीप, चित्रांगद, कालजेरी कौर, कह मुकरणी, जपरनामो, ये सारी जितनी भी इसकी कृतियाँ हैं फ्रेंड्स, वो आपको ये रचनाएं याद रखनी है चंद्र सिंह बिरकाली की, ठीक है। ये याद रखना कहाँ के थे फ्रेंड्स, हनुमानगढ़ के, नोहर तहसील हनुमानगढ़ के थे बिरकाली जी, और इनकी ये व्याख्या, इनकी जो रचनाएं हैं बादली, डपर, लू, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जय सिंह सूरी लेखक थे, तो जय सिंह सूरी लेखक थे मतलब इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, चारों में बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर, जैसे ये अमीर महाकाव्य तो नयन चंद्र सूरी का है, ये अमीर रासो अलग है, अमीर हट अलग है, और अमीर मंद मर्दन अलग है, तो जय सिंह सूरी ने कौन सी रचना लिखी थी वो आपको बताना है। अभी आर एस प्री में पूछा गया था, ये अभी छोटे एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा हमीर मदमर्दन। इन चारों में आपके डाउट ना रहे, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। विजय दान देता के बारे में कौन सा कथन सही कूट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। पहला कथन आपको यहाँ पर दे रखा है, विजय दान देता राजस्थान के प्रथम लेखक थे जिन्होंने कहानी चरणदास चोर के नाम से जो नाटक है वो भी विजयदान देता ने लिखा हुआ है। ये भी आरबीसी की बुक्स में नहीं मिलेगा आपको। विजयदान देता रूपायण संस्था में, जो रूपायण संस्था थी फ्रेंड्स, उसके यहाँ पर ये जो रूपायण संस्था के सह संस्थापक के रूप में भी इन्होंने काम किया था। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है, ये दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर एक और दोनों ही सही है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा। राजस्थान में 2007 का पद्मश्री अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? तो ये विजय दान देता को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो फ्रेंड्स, विजय दान देता के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पर, मैं सारा लेकर के आया हूँ आपके लिए, तो आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इनकी जो ग्रंथ, जिनकी जो कविताएं थी फ्रेंड्स, इनकी जो रचनाएं थी, उसमें आप यहाँ पर देख सकते हो बातारी, फुलवारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 14 खंडों में थी। ये भी पूछा गया है कि कितने खंडों में थी, आ चुका है खंड ये, और 10वें खंड के लिए इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा लोकगीत, गोरा हट जा, राजस्थान के प्रचलित प्रेमाख्यान के विवेचन, और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारी वाणी, लोक संस्कृति, 2002 में बिहारी पुरस्कार, 2011 में रावसिया अवार्ड, 2007 में पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, और मारो बदलो तिडोराव, ये दो अलग से यहाँ पर इनके लोक उपन्यास है, इनको भी आपको याद रखना है। ये आरबीएससी में नहीं है, मैं फिर भी कह रहा हूँ आपको, इनको अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा तिडोराव जो है वो, और मारो बदलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो अकेलू, अलेकू, हिटलर और द डिलेमा, तीन गांधी जी के तीन हत्यारे, अनोखा फेड, उसके बाद सपन प्रिया, ये सारी चीज़ें इसकी जो ये कवि, ये जो रचनाएं हैं, लास्ट वाली पहेली जिस पर फिल्म बन चुकी है, और इनको प्रथम राजस्थान रत्न के आवाज से 2012 में नवाजा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2012 में जो राजस्थान रत्न है वो सबसे पहले किसको मिला था? तो वो मिला था अपने विजयदान देता को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता है, तो वीर विनोद के प्रणेता कौन है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें आप लगा दोगे श्यामल दास, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपके लिए क्यों लाइक करके आऊँ, तो ताकि आप श्यामल दास के बारे में अच्छे से समझ सके, दो तीन बातें आपको अच्छे से बता रहे कि मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित कवि थे। मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस दरबार में थे, ठीक है, श्यामल दास किस महाराणा के दरबार में थे? तो सज्जन सिंह के दरबार में थे, ठीक है। उसके बाद में महाराणा
शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, जो लगभग 21 वर्ष के निरंतर परिश्रम के बाद तैयार हुआ था। ठीक है, उसके बाद इन्हें जो ब्रिटिश सरकार है फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी थी, और महाराणा सज्जन सिंह ने इन्हें कविराज और महामहोपाध्याय की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, इसमें और ज़्यादा आप यहाँ पर पढ़ सकते हो श्यामलदास ददवाड़िया के बारे में। इन्होंने 5 जिल्द लिखे थे फ्रेंड्स, 2 जिल्द, 3 जिल्द, 4 जिल्द और ये 5वां जिल्द। ठीक है, तो पहले जिल्द में जो भारत का इतिहास था और जो विश्व का इतिहास था उसके बारे में था, लेकिन 2, 3, 4 और 5वें जिल्द में इन्होंने मेवाड़ का इतिहास लिखा था। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रसिक रत्नावली के रचयिता थे, तो रसिक रत्नावली के रचयिता यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 है, नर हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है कि रचनाकार रचना कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो मैंने अभी आपको बताया मतिराम ललितराम, ये ललित ललाम ये सही है, दयाबाई का दयाबोध सही है, उसके बाद सोमनाथ का सुरजान चरित्र, नरहरिदास का अवतार चरित्र, तो नरहरिदास का अवतार चरित्र एकदम सही है फ्रेंड्स, लेकिन सोमनाथ सुजान चरित्र, सुजान चरित्र या सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र फ्रेंड्स चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चंद्रशेखर या राजशेखर, ठीक है चंद्रशेखर नहीं आएगा, राजशेखर आएगा। ठीक है, राजशेखर द्वारा लिखित है ये, तो इसमें सोमनाथ ना करके राज, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वीर रामायण या वीर रामायण का रचनाकार कौन था, तो इसका इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 बादर ढांडी। ठीक है, और दूसरा आड़ा नहीं रहेगा, कृष्ण आड़ा नहीं रहेगा, हेमरत्न सूरी नहीं रहेगा। ठीक है, ये असिस्टेंट जेलर के पेपर 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रचना मणि मधुकर की नहीं है, तो आरबीसी की बुक्स में अगर आपने मणि मधुकर जी के बारे में पढ़ा है तो उन्होंने पग फेरो भी लिखी है, रस गंधर्व भी लिखी है, उसके बाद सुधी सपनों के तीर भी लिखी है, लेकिन जमारो जो है फ्रेंड्स ये याग्वेंद्र जी की है, तो ये एक कहानी है और ये इनकी रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मणि मधुकर निम्न व हिंदी व राजस्थानी भाषा के रचनाकार मणि मधुकर ने पग फेरो, भरत मुनि के बाद, रस गंधर्व, सुधी सपनों के तीर, कालो घोड़ो, हवा में अकेले नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलालेंग वीर काव्य की स्थापना किसने करी है, इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो कन्हैयालाल सेठिया होगा, मुरारीदान होगा, केशवदास होगा या अमरनाथ जोगी होगा, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अमरनाथ जोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ये म्यूटिनी इन राजपुताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वीडियो यहाँ लास्ट तक देखा है तो जो इस वीडियो में यहाँ लास्ट तक पहुँचा है फ्रेंड्स वाकई वो अपने करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के बहुत सीरियस है, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक वही लोग देखते हैं जो पढ़ाई को सीरियस लेकर के करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अभी इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, और ऐसे वीडियो आपको मैं बिल्कुल सोच समझ करके वीडियो लाता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। जो कोचिंग संस्थाएँ वाले होते हैं फ्रेंड्स, वही आपके क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे, नोट्स वगैरह में नहीं मिलेंगे, यहाँ तक कि बुक्स में भी बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ज़्यादातर जीके में लगभग 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और उसके पहले मैं आपको इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो बताना भूल ही गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा IT प्रचार। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।